राधे राधे, कैसे हो आप सब। एक आईपीओ ओपन हुआ है, डिमांड अच्छी आ रही है उसकी। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी नेम है कंपनी का। कितना पैसा बन सकता है, अलॉटमेंट मिलने के कितने चांसेस है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल सब कुछ वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आप डिसीजन बनाना सबको इसमें क्या करना है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, आगे भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कंपनी का नेम है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी। इनका बिजनेस ऑनलाइन डिजिटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर का है, इंडियन एथलेटिक वियर एंड एक्सेसरी में। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट गिफ्टिंग पोर्टल के रूप में किया था, chennaibazaar.com से। जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको गिफ्ट फॉर सॉल्यूशन देती है कंपनी। देन इन्होंने cbazaar.com एंड ethnovogue.com साइट्स ओपन करी है एथनिक कलेक्शन के लिए एंड ज्वेलरी के लिए। काफी सारे कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स है। तो ये हो गया इनका बिजनेस का ओवरव्यू। चलते हैं फाइनेंशियल के ऊपर। एसेट्स 7.69 करोड़ से बढ़ते हुए जून 2023 तक 13.18 करोड़ के हो गए हैं। रेवेन्यू में 2021-2022 में ग्रोथ काफी गजब की हुई है, 14 करोड़ से 32 करोड़ के हो गए हैं। उस टाइम कोविड के कारण 2021 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कम था। देन 2023 फाइनेंशियल ईयर में 34.5 करोड़ का बनाया गया है एंड उसके बाद 3 मंथ में कंपनी ने 7.83 करोड़ का रेवेन्यू बनाया। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में 23 लाख, देन 2022 के अंदर 2.61 करोड़, देन 2023 फाइनेंशियल ईयर में 1.76 करोड़ का हुआ था और उसके बाद 3 मंथ में 94 लाख का प्रॉफिट बनाया गया है। 2022 से 2023 में प्रॉफिट कम हुए हैं बट अभी 3 मंथ में प्रॉफिट में अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। रिजर्व कंपनी के पास 3 करोड़ के करीब है और वहीं बोरिंग जो है वो 2.92 करोड़ की है। तो फ्री कैश एंड उधारी आसपास चल रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो ठीक ठाक ही है, खराब तो नहीं बोलेंगे बट ग्रोथ काफी स्लो हो रही है। आईपीओ डिटेल के अंदर, आईपीओ ओपन 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहेगा। प्राइस बैंड इसका 16-18 रुपीज पर शेयर फिक्स कर दिया गया है। अरे वाह, प्राइस तो काफी सही रखा गया है। प्राइस सस्ता है या नहीं वो बात नहीं कर रहा मैं, बट प्राइस 20 रुपीज से भी कम है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। यहीं से डिमांड आती है आईपीओ के अंदर। इस आईपीओ के एक लोट के अंदर 8,000 शेयर है तो लोट के लिए बन जाती है 1,44,000 की। टोटल इशू का साइज जो है वो 10.25 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। रिटेलर्स को इसमें 33.29% का पोर्शन दिया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 18,96,000 बन जाते हैं। अगर लोट की बात करें तो 237 मींस तो 37 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलने वाला है। टाइम टेबल में बस अभी यही ध्यान रखना कि अप्लाई जो है वो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक करना होगा क्योंकि 4 दिसंबर मंडे इसकी लास्ट डेट है। अब देखते हैं कि प्रीमियम क्या चल रहा है और हमें इसमें करना क्या है। इस आईपीओ की डिमांड का मेन रीजन इसका प्राइस है, जिसके बेस पे ये इसका पी निकल के आता है 9 के आसपास, जो कि काफी सही है। मतलब शेयर प्राइस सस्ता रखा गया है बट साइज भी कम है, 10 करोड़ का साइज है। प्रीमियम अभी चल रहे हैं 39% के, स्टार्टिंग इसकी हुई थी 16% से और बढ़ते हुए आ गए 39% पे। कंटिन्यू डिमांड चल रही है, डेफिनेटली इसको कंसिडर करेंगे बट इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है। जितने उसके उतने डिमांड अकाउंट ओपन कर लेना ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए अलॉटमेंट के। फैमिली में तो सभी के नेम पे आपके पास डिमांड अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक मेंशन है, कंसिडर कर सकते हो आप। आईपीओ के डेली अपडेट लाइक जीएमपी, सब्सक्रिप्शन, कौन सा आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो रहा है, कौन सा आईपीओ लिस्ट हो रहा है, सब कुछ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना सो दैट आपको आने वाली वीडियोस मिस ना हो। कुछ बायबैक आने वाले हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस बन गई है, चैनल पे जाकर आपको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सबके साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।